हमरी नियर मेहरारू रहे, मन से धू बड़ा नीमन मिल गई। वो अपने दिल का बयां अपना सहेली से करे, ए सखी कि हम तो तार गईली हो सुंदर बार पैली हो, अपना रजाऊ के प्यार में सांवर गईली हो, गईली हो सुंदर बार पैली हो, अपना रजाऊ के प्यार में सांवर गईली हो। एक खुशी रहे लगवा रे सखी पिया दुल्हन रे, आय हाय रे सखी पिया दुल्हन रे, साहब आज एगो फिर रहुआ सब लोगन के बीच में बिरह लेके आइल बनी। हम गायिका सीमा सरगम जैसे ही हर एक बिरह के रहुआ सब लोग प्यार दुलार देहिला, वैसे ही उन्हें बिरह के विशाल भैया के देख रेख में भेजत नहीं भीम इंटरटेनमेंट पे रहुआ सब लोग देखब आ कमेंट करके हमरा के प्यार में जरूर बताइब कि बिरह कैसन लागल, ई बिरह कैसन बा, ई दुनिया का लोग कैसन होन, ई होखे के चाही कि ना होखे के चाही, समाज आजकल का कैसन हो गइल बा। कवि जी चार लाइन का भूमिका दिलन मास्टर साहब कैसे, शक्ति धरा रो रगाया सुमा हो रगा क्या विधाता कली कंगल में, आज रक्षक ही भक्षक बना देश का, भेड़िया छुप गया शेर की खाल में, खाकी वर्दी पर इनको अहंकार है, अरे शर्मया तीन ही काम करते घिनौना, राम निवास दिखरती गए कलम बेरहमया बरू को समझते खिला। वर्दी खाकी वर्दी कैसन होला आ का करे खातिर होला, खाकी वर्दी जब लोग ग्रहण करते हैं तो उसके साथ लोग कसम खाते हैं कि मैं जब भी करूंगा तब भी न्याय ही करूंगा। लेकिन ये भैया बिरह में गजल का टुकड़ा लग गई, कोई प्यार में मारा हुआ दिल बयां कर रहा है क्या, खिया खिया लड़ल बाजब से, मेरी गलती नहीं है ये आंख का गलती बा,
कि अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नीचे कर रहे हैं कि बारे भगवान की दुनिया बारे ये दुनिया की दुनिया बनाने वाली की दुनिया बनाने वाली दुनिया अजीब तेरी लाजम का लाइन लगल दोस्तों दास्ता यूपी की एक सुनाती हूँ जिला ललितपुर की बया मैं बताती हूँ तेरह साल की कन्या कनक कुमारी रही माता पिता के मानो बहुत वह दुलारी रही चल लड़कों ने उससे चोरी चोरी प्यार किया प्यार का झांसा देके गलत वो व्यवहार किया किशोरी भोली भाली सी समझ ना पाई है किशोरी भोली भाली थी समझ ना पाई है बात समझी ना चारों के चक्कर में आई है समझ ली यही अपने उत्तर प्रदेश के रहे वाला 13 साल की बच्ची
जिसका नाम कनक बताया गया। ए भैया, कनक का परिवार माई बाबू बहुत गरीब रलन, गरीबी में जिंदगी बिता रहल बड़न, लेकिन ए बाबू ए घरवा से पढ़ाई करत करत आखिर में देखी बहरे घर से बहरे आवत जात चार लड़का से प्यार हो गए। आ जब चार लड़का से प्यार भइल हो बाबू, वो चारों लड़का आपस में प्यार में ओके बहकावे लगलन। आ जब प्यार में बहकावे लगलन तो देखी भइल का भैया बिरहा में एगो गीत लग गई। ये गीत के लाइन बा, कौनो मेहरारू कलश ए राजा जी, हमार सरहो सिंगार आ तोहार एक मुस्कान बराबर बा। हम केतनो सरहो सिंगार कर लीला लेकिन एगो मुस्की मार देला ना, आय हाय रे तक करेजा कुह की जला। उ कह तरी कैसे, अरे झुमका झुलनिया घर हसुली न थुनिया चाहे कजरा के धार, अरे झुमका झुलनिया हसली नथनिया चाहे कजरा के धार, हसली नथनिया चाहे कजरा के धार, चाहे कजरा के धार। तो हर एक मुस्कान हमार सलहो सिंगार राजा सलहो सिंगार, नाम हरिशंकर बतावल गई, दूसर का महेंद्र चौरसिया, तीसर का चंदन और चौथ का राजमन। यही थाना पलिया के रहे वाला ए बाबू चारों लड़की के बहकौलन, अब बहकाई के कलन एगो काम करा कन कि हमरे संगे चला, हमरे संगे चलबू तो एगो तुहके कंपनी में बढ़िया से नौकरी धरा दे, तू दू चार पैसा कमेबू अपने माई बाबू को सपोर्ट करबू। लड़की के बहका के लिया के चलत हुआ भैया कैसे, चारों का सैया मिली के चारों का सैया मिली के भैला मुदैया नाही कैला शहरों का सैया मिल के भैला मुदैया नाही कैला विचार, चल साथे फुसलाए वही बाला के लिया आए वही बाला के लिया साथ चले फुसलाए बहाना चले भारी आके स्टेशन आवे पे धैली हले गाड़ी,
करी के कोई के बा खाना चल ले भारी आके स्टेशन वे पे धैली हले गाड़ी एक साथिया भाई आइला धोखा संग में कैला रहे पपिया सता चले फुसलाए वही बाला के लिया आए वही बाला के लिया चले फुसलाए वही बाला के लिया ए बाबू पलिया थाने से निकलन हम कुल अलियाए के गइलन ह ट्रेन धली हलन आज अब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन धइलन ह ओ बाबू त देखी कहां का ट्रेन धइले हुन भोपाल का आज अब भोपाल का ट्रेन धइलन हो बाबू लड़की के लिया के कनक के लिया के भोपाल जाए के उतरलन आज अब भोपाल जाए के उतरलन हो बाबू त देखी भइल का बिरह में एगो गीत लग गइल ये गीत का लाइन में कोनो में हरारू अपना मन से धूस से कहे कि देखी ना हमके अपन बनेबो कैली तो ऐसन निशानी दे के बनौली हम कि जीव एकदम गदगद हो गई कह तारी कैसे कि हार आज हम के बना लाय अपन रानी रजू लेकिन बिरहा पर गौर करेंगे साहब ई तो धुन तराना रल धुन तराना छड़ी कहोला हो बाबू आज देखे हो बाबू कनक के लिया के गइलन ह भोपाल एगो जाई के रूम लेहलन आ रूम लेला के बाद में हो बाबू 13 साल की बच्ची अभी नहीं उसको कुछ पता है आ जब रूम जाई के लेलन हो बाबू त देखे शाम से इन्नी का कहानी स्टार्ट हो गई का स्टार्ट भइल भैया अरे अत्याचार कैला दुष्ट दूरा अरे अत्याचार कैला दुष्ट दूरा चारी पपिया अरे दूरा चारी पपिया हो गैंग रेप मिल के कैला बारी बारी रूम लेलन लेकिन हो बाबू ओ कनक लड़की के लगलन से छेड़े कनक कहली कि आखिर में हम तोरे लोग से
शरीर के संबंध सोच के प्यार नहीं कैली, हम ये सोचली कि तू हमार सच्चा लोग दोस्त हुआ, ऐसा हमरे संगी मत करा। ए बाबू आंख में आंसू लेके उबाला रोवे हो बाबू गिड़गिड़ा है, लेकिन ये पपिया एको बात नहीं सुनत हुन हो बाबू, करत का हुआ। रात उकुल घर से कनक के निकले नहीं दिहलन, बारी बारी से रोज इज्जत लूटे के काम करें हो बाबू, बाला रोवे दरद से तड़पे हो बाबू, लेकिन नीच कसाई तनको रहम नहीं खैलन हो बाबू। चौथे दिन कैलन का बिरहा में गीत बदल गई भैया, मल्ला भाई लोग बड़ा प्यार से गीत के गावेलन। कैसे गावेलन? के हो पाटे पार के जावैया, के हो पाटे पार के जावैया, खुलत साहब गौर करेंगे। 13 साल के बच्ची के साथ में 3 दिन बिताई के चौथ के दिन उ पापी कैलन है का? चौथे दिन कैल तब पायनवा, चौथे दिन कैल तब पायनवा, सैतनवा मिली के के आंख में आशुबा। चौथे दिन कुल पलान कर धुवन का कानक के मौसिया दिए पहुंचाई रामा, समाया में
भोपाल में बिता के चौथे दिन वहाँ से फिर ट्रेन धैलों सो आ गइलन कनक के मौसी यहाँ। कनक के मौसी यहाँ अइलन आ कनक के छोड़ करके चारों साथी निकल गइलन। आ जब निकल गइलन तो बहिन का भैया बिरह में गीत लग गई। क्या बात है, साहब संकेत करथुन एवनी गीत के माता बहिन लोग बड़ा प्यार से गावेली। कैसे गावेली भैया? छोटी मोगी घर के दुआरी, छोटी मोगी घर के दुआरी, लमहर दामा मौसी निकल तड़ी तबले कनक निगाह अपना मौसी पे पड़ल। इत चारों साथी पर आ गई ला सा। आ जब कनक निगहिया मौसी पे पड़ल हो बाबू, बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, कनक जाय के बहर अकवारी धाई के मौसी के रोवे लगल की मौसी मौसी लगत हो कि अब जिंदगी व्यर्थ हो गई। मौसी मौसी कहली अरे बेटा कनक का भइल बेटा, का भइल बेटा? मौसी एगो बात सुना ना मौसी, एगो हमार बात सुना ना मौसी। कनक अपना मौसी से बतावे, का बतावे भैया? ये बाबू आंख से आंसू जर 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 चलत बा। मौसी मौसी अब जिए के मन नहीं करत मौसी। अरे बेटा बेटा कनक का भइल बेटा? तोहरा माई के समान नहीं बेटा, तू बतावा हमसे कि आखिर में तुहके भइल का? तू काहे इतना रोत ही रे पगली कनक, तू कुछ तो बतावा एकरा आगे। हे बाबू रोला के आगे कनक के मुंह से कुछ बकारी नहीं खुलत बा। कली मौसी मौसी हम समय नहीं पौली मौसी, आ नहीं तो ई चेहरा आज तोरे सामने नहीं रहत मौसी। आखिर में बेटा बहिल का कनक बताओ तरी मौसी, हमार धर्म हमार इज्जती है जौन लोग कहेला कि अबला के एगो थाती होला मौसी, हमर थती लुटा गईल रे मौसी, हमर थती लुटा गईल रे मौसी। जब मौसी कनक का इतना बात सुन लिए हो बाबू, कैली है का?
रे बाबू, इहे कहल जला हो बाबू, घर के मारल बन में गईली, अब बनों में लागल आग, अब बन बेचारा का करे जब किस्मतीये में लागल आग। ए बाबू, कनक मौसी कनक के लिया के गईली पलिया थाने पे, आ जब पलिया थाने पे गईली हो बाबू, तो देखी ओ थाने का इंचार्ज जेकर नाम तिलकधारी बतावल गई। ए बाबू, तिलकधारी बैठल हुन, सारी बात जा करके कनक कमौसी बतौली हूँ। आज जब बतौली तब देखें, आज तिलकधारी कहलन कि देखिए हमको पूछताछ करना पड़ेगा, यहाँ पर लड़की छोड़ दीजिए, हम पूछताछ करके बकायदे आपके घर पहुँचा देंगे। ए बाबू, सोच गई कनक कमौसी कि हमके न्याय मिली। भइल का भैया, बिरह में विदेशिया का भिखारी ठाकुर के अंदाज में, अरे ये भैयारा दर्ज भइल पपियन के नमावा से, अ पपियन के नमावा से पूछता छ करबय सो बोले तवने घरिया। जाइए, कोई यहां दिक्कत नहीं है, हुआ क्या? यशो तिलकधारी जे कर बिगड़ लई मनावा, अरे बिगड़ लई मनावा हो, बंद कैला कान कले जाई उसी तो वहां से चल गई हूँ बाबू, लेकिन तिलक धारी यशो साहब ले जाए के कनक के एगो रूम में बंद कर दिहलन। थोड़ा देर के बाद गईलन पूछताछ कर थोन कि आखिर में कनक बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। कनक के अखिया में आंसू बा, कली साहब हमार इज्जत चारों मिल के लूट लियलो साहब, आ एक दिन नहीं साहब तीन दिन रही वहाँ साहब, चौथे दिन हमके लिया के हमरे मौसी के घरे छोड़ दिहलन साहब। ए बाबू, बारे तिलकधारी न्याय के कुर्सी पर बैठा लेकिन अन्यायी बन गया। ए साहब, मजाक करत कनक से कैसा लगा, कैसे हुआ? अखिया में आंसू लेके कनक रो तड़ी, साहब ऐसे काहे बोलत हुआ साहब, ऐसे काहे बोलत हुआ साहब। तिलकधारी जा करके कनक का हाथ पकड़ लेलस, हाथ पकड़ लेलस जब बाबू हो, धीरे धीरे हाथ इधर उधर दौड़ावे लगल हो बाबू। कनक हाथ जोड़ के रो तड़ी, साहब हमरे संगे तो खुदा अन्याय भइल बा साहब, हम तो आपके पास अइली साहब, हम सोच ले कि हमके न्याय मिल जाए साहब, इका करते हो साहब, ऐसे न मेरे संगे मत करा साहब, अरे हमरे दामन बीचे तो दाग कूदे लग गई लो साहब, हमरे दामन बीचे औरी दाग मत लगावा हो साहब, हम कैसे ये दुनिया में जीअब साहब, कैसे मुंहवा दिखाई वो साहब। लेकिन बाबू, तिलक दहारी एगो बात नहीं सुनत हुन कैलन का, लूट लिया संग नाबालिक जतिया, नाबालिक जतिया रोवे ले कुमारी जर जर पर से नजरिया। हमके छोड़ दा साहब, हमके न्याय ना दिलवाइबा ना साहब,
लेकिन हमके हमार जिंदगी बख्श दा साहब। लेकिन तिलकधारी एगो बात नहीं सुनलन हो बाबू, आखिर कनक के इज्जत लूट लेलन। आ जब कनक के इज्जत लूट के बाहर निकलत हुआ हो बाबू, तब ले एगो पुलिस वाला का नजर पड़ल। पुलिस वाला फिर दरवाजा भीड़ कावर रहल, दरवाजा खोल के वह पुलिस वाला ओ रूम में गई। आ जब रूम में गई हो बाबू, ता नंग बदन देख करके ओ पुलिस वाला आखिर में फिर कनक का इज्जत लूटे के चलस हो बाबू। ज्यों ही कनक के पकड़लस त्यो कनक कहलस, भैया काहे हमरे संगे लोग ऐसन करत हुआ। लेकिन ए बाबू, वो भी पुलिस वाला निर्दयी एक बात नहीं बच्ची का सुनता है करता है क्या। दूसर पुलिस वाला अपन घमासा मिटावे लागल, घमासा मिटावे लागल, भेदावा पटाई सारा मुसी से छोकरिया, भेदावा पटाई सारा मुसी से छोकरिया, भेदावा पटाई सारा मुसी से छोकरिया। ए बाबू, ओ थाने में हो बाबू, जेके लोग कहेला कि अगर जो गांव घर में अन्याय होता थाने पे चल जा तो न्याय मिल जाए। ए बाबू, आखिर में एसओ साहब भी और पुलिस भी आखिर में दोनों लोग अन्याय कैलन। वो लड़की के साथ में जब लड़की छुटल बा मौसी के यहाँ फिर दोबारा आइल बाबो बाबू, मौसी पूछे लगलिन, बेटा क्या हुआ, कुछ बताए लोग। ए बाबू, बारे ये दुनिया कनक खड़ी बा, तिकवत बा, देखत बा नहीं तो कुछ बोलत बा, नहीं तो कुछ डोलत बा, अखिया से आंसू जर्जर जर्जर चलत बा। ओ बाबू, कनक के मौसी कनक से पूछत, अरे बेटा कुछ तो बोलो, कुछ तो हमसे कहा बिटिया। कनक अली मौसी, ये दुनिया बड़ा अजीब बा मौसी, ये दुनिया बड़ा अजीब बा रे मौसी, जो ना एसो के तू न्याय दिलवावे के सोचत रहलू कि एसो साहब हमके न्याय दिलवाइन, ओ एसो साहब भी गद्दारी क गिलन रे मौसी, वो हमारी जतिया लूट लेलन रे मौसी। बहिल का भैया बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल। अरे भारत का संविधान रो पड़ा, अरे भारत का संविधान, भारत का संविधान रो पड़ा, अरे खाकी बनी कलंकित कहर उठे है वान। भैया आज संविधान भी अपने जगह सोच रहा है कि लोगों को न्याय दिलवाने का काम करेगा संविधान। भैया भाई का यहां दोहा के अंदाज में बतावे के पड़ल। टूटा पहाड़ सर पर उस दा, इस चार शरम से झुक गया बेरहम नजर।
एसओ साहब भी और पुलिस भी मिल के दोनों रेप कैलन। कनक का हाथ धैलिन, हाथ ध के लिया के गैलिन है जिला पे। और जब जिला पे लिया के गैलिन तो भइल का भैया पहपट के अंदाज में बतावे के पड़ल। अरे मौसी चली लिया के तेगी छनवा अखिया बरसेला। अरे मौसी चली लिया के तेगी छनवा अखिया बरसेला। अब बिरह बेदना फटे ले छतिया अखिया बरसेला। चार लड़कों का नाम लिखाई हो। अरे पूरा यूपी अंदर फैलल किया बरस ले। आ पुलिस प्रशासन के मराइल मतिया किया बरस ले। ए पंचो मौसी ले जा के कनक के जिला पे एफआईआर दर्ज करवाती हैं। और जब एफआईआर दर्ज भइल तब बतावे के पड़ल भैया अल्लाह के लाइन में। कहनाम बा दिल से, यदि वर्दी वाला ऐसा लोग करीहन तो का कोई कानून पे भरोसा करी हो बाबू। ए लिए कहे के पड़ल हमरे कवि जी लिखलन है कैसे। अरे कैसे कानून पार, अरे कैसे कानून पार भरोसा कोई करे है साहब। पत्रिका द्वारा प्रमाण मिलता है कि आईएएस अधिकारी निखिल पाठक तीन टीम तैयार कैलन। और तीन टीम जब भेजलन हो बाबू तब देखें आखिर में तिलकधारी एसओ साहब के और उजन साथ में पुलिस रहल। लोग प्रयागराज के बीच में पकड़ेलन लेके गैलन है। आ जब लेके गैलन तब भइल का भैया खड़ी के अंदाज में कहे के पड़ल। निखिल पाठक कनक के बोला के कलन बेटा तुम्हें मैं न्याय दिलवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। एक जैसन सब कोई नहीं होला। अखिया से आंसू झरझर झरझर चलत बा। आ एगो बात कनक कहली। का कहली? अरे झंखे नवाल
ऐसा जिंदगी हमार बेकार हो गई हो साहब, आज हम झंखत नहीं अपने किस्मत के लेके। अब ये हो गई कि कोई पे भरोसा करे लायक नहीं बा। कहत बड़ी कैसे आर झंख नाबालिक अधिकारी निखिल पाठक बोले कि बेटा तुझे मैं न्याय दिलवाऊंगा, जितना कड़ी से कड़ी सजा होगी मैं उसको लगवाऊंगा और न्याय तुम्हें मिलेगा। तो कैलन का 37-63 के लागल बाधारा आज लिया के भीतर गईला आरोपी आवारा। द्वारा प्रमाण मिला 37-63 का धारा लगा करके यशो साहब तिलकधारी और पुलिस के और जो उन चारों साथी का नाम बतैली जेल में गईलन। ए बाबू इननी कत जेल में चल गईलन। अब देखी कहानी आ गई कनक की तरफ। कनक निकलल बा अपने घरे खातिर, आ रास्ता में जात बा मनवे मन सोचत बा कि बाहरे जिंदगी आखिर ई जिंदगी हम जियब कैसे। सोचत बा औरी जात बा घरे जाए के कैला सका भैया, अरे कैसे जियब हम सही के अपमानवा। घरवा जाके बैठल बाड़ी हो बाबू, अब बैठ के सोचत अड़ी यह कि हम जी के का करब, हमार जिंदगी तो बेकार हो गई। कैली न का अरे कैसे जी अब हम सही के अपमानवा, अम्मा उर खा के तजी देगली अपना परवना। जहर खा लेती है मुहवा से जब धीरे धीरे गाज निकले लागल न हो बाबू। मौसी बैठल बाड़ी, माई बैठल बाड़ी, माई का नजरिया पड़ल कनक कनक इ तोरे मुहवा से कैसन गाज निकला था रे बेटा। कली माई हमके माफ कर दिया, माई हमके माफ कर दिया, माई ये अपमान सही कि हमरे बस के नहीं है कि ये दुनिया में अपन मुंह दिखाई। माई हमरे बस के नहीं बा, माई हमके माफ कर दिए रे, माई माफ कर दिए। ए बाबू माई से आखिरी विदाई मांगत अड़ी कनक माई,
हो सके तो एक घोट हमके पानी पिला दा माई। ई बाबू माई पानी पिलाओ तड़ी, आप बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए, आंखें बंद हो जाती है। ऐ मेरे साहब ऐसन करिया लोग कि केहू को इज्जत के साथे खिलवाड़ मत करिया। ई हमार बिरह रउआ सब लोगन के सीख देत बा कि समाज में ऐसन ना होखे कि कोनो बहिन औरी कोनो बेटी आपन प्राण त्यागे से मजबूर हो जा। लास्ट में बतावे के पड़ल गुर बिहारी गुर गणेश गुर रामलाल मरबा का सर गए कवि चंदिका बच्चन के विजय पताका। अरे भारत का संविधान